कल दिल्ली में 10,774 10,774 पॉजिटिव केसेस आए थे। पॉजिटिविटी थी 9.43% और टेस्ट किए गए थे 1,14,288 मतलब 1,15,000 के करीब टेस्ट किए गए हैं दिल्ली में और पूरे देश में। कल देश का रात को जो रिपोर्ट आ रही थी उसमें 1,70,000 से भी ज़्यादा ऊपर क्रॉस कर गया नंबर। तो दिल्ली में भी नया मतलब लेवल पे कोरोना पहुंच रहा है और पूरे देश में भी। लोगों से बस यही अपील है कि भाई घर से तभी निकलें जब बहुत ज़रूरी हो और कोरोना को रोकें। घर से बाहर निकले तो मास्क लगा के निकले, बिना मास्क के ना निकले। आप लोग लॉकडाउन के में नहीं है, ये आप भी कह चुके हैं, मुख्यमंत्री भी कह चुके हैं, लेकिन अस्पतालों की स्थिति है, बेड्स बहुत ख़राब हालत में, वेंटिलेटर्स ख़त्म होते जा रहे हैं, कई अस्पताल में 0 तक पहुंच गए। देखिए, पहले तो मैं बता देता हूँ, वेंटिलेटर जो है एक दो ही चीज़ें हैं, एक ICU है और एक वार्ड है, दो ही तरह के बेड होते हैं। वेंटिलेटर का जब स्टार्ट हुआ था 1 साल पहले तब वेंटिलेटर की इशू ज़्यादा बड़ा था। अभी अगर HFNO है, बाईपैप है या हाई फ्लो ऑक्सीजन है, दे आर इक्वली गुड। उसके लिए वेंटिलेटर के हर एक पेशेंट को ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ 2-3% लोगों को होती है। होता क्या है कि जो वेंटिलेटर बेड है अगर वो ऑक्यूपाइड है तो उसको लिखते हैं भाई वेंटिलेटर पे बेड पे एक्चुअल वेंटिलेटर के ऊपर बहुत कम पेशेंट है। मैं आपको फॉर एग्जाम्पल बताता हूँ, बुराड़ी हॉस्पिटल में 30 पेशेंट हैं जो कि वेंटिलेटर बेड के ऊपर है, पर वेंटिलेटर पर एक भी नहीं है। ऐसे LNJP हॉस्पिटल के अंदर वेंटिलेटर बेड के ऊपर 70 पेशेंट होंगे, बट उसमें से वेंटिलेटर के ऊपर एक्चुअल वेंटिलेटर के ऊपर शायद 2 या 3 पेशेंट हैं। तो सर क्या स्थिति है बेड्स के लिहाज से? बेड के लिए हम लगातार बढ़ा रहे हैं, पिछले 1 हफ्ते के अंदर हमने 5000 बेड बढ़ाए हैं। आज भी 50% बेड अवेलेबल है और हम फर्दर इंक्रीज़ कर रहे हैं। 5,525 बेड एज ऑन टुडे दिल्ली सरकार के हैं, जिसमें से 190 यानी 2% के करीब ऑक्यूपाइड है, बाकी सारे अभी भी अवेलेबल है। पिछली बार नवंबर का जो हाल था, 8,000 मामले दर्ज हुए थे, तब 18,000 तक आपने बेड की संख्या पहुंचा दी थी दिल्ली में। देखिए, लगभग पहुंच जाएगी। अभी हमने केंद्र सरकार से रिक्वेस्ट की है, उनके 1,090 बेड अभी अवेलेबल है केंद्र सरकार के, जो कि उस टाइम पर 4,000 से ऊपर थे। तो उनसे रिक्वेस्ट किया कि वो भी उस लेवल पे ले जाएं तो तुरंत पहुंच जाएंगे वहाँ तक। कौन-कौन से हॉस्पिटल में पड़ेगी सर? केंद्र सरकार के जितने भी हॉस्पिटल हमने रिक्वेस्ट किए पिछले वाले लेवल पे उसको ले जाएंगे।